अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे देखना ना भूलिएगा वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जब स्टीफन लॉस्ट होप में लेडी पोल को देखकर चिल्लाता है और फिर वो झटके से आंख खोलती है। उसके बाद वो एक ड्रेस पहनकर उसकी सिलाई करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ एनेबल कुछ लेटर्स लिखकर लेडी पोल से मिलने के लिए चली जाती है, और तभी हम एनेबल की मेड को वो लेटर्स एक लड़के को देते हुए देखते हैं, जिसे जॉन जो एनेबल पर नजर बनाए हुआ था वो लेकर मिस्टर नॉर्मल को दे देता है। उसके बाद हम एनेबल और लेडी पोल को एक साथ में बैठा देखते हैं, और यहाँ फिर से लेडी पोल एनेबल को लॉस्ट होप के बारे में बताती है, लेकिन एनेबल उसकी बात नहीं समझ पाती। वहीं फिर हम जोनाथन को देखते हैं जो युद्ध में पहुंच जाता है, लेकिन वहां उसके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं करते, इसलिए वो रात के समय उदास बैठा होता है। वहीं दूसरी तरफ एनेबल अपने घर पर लेडी पोल की बातें याद कर रही होती है कि तभी वहां पर फेरी स्टीफन को लेकर आ जाता है, जिन्हें एनेबल देख नहीं सकती। फेरी फिर स्टीफन से पूछता है कि इसकी कोई तो कमजोरी होगी जिसके बदले हम इसको अपनी दुनिया में ले जा सकते हैं। इस पर फिर वो फेरी को मना करते हुए कहता है कि इस तरह से हम किसी को भी उसके घर से नहीं ले जा सकते। इस पर फेरी कहता है कि इसे इसका पति छोड़कर चला गया है, मैं इसे लॉस्ट होप ले जाऊंगा जहां इसे कभी कोई अकेला नहीं छोड़ेगा, और ऐसा कहकर वो गायब हो जाता है। फिर हमें अगले दिन जोनाथन और वॉर ऑफिशियल साथ में बैठे दिखाई देते हैं। ऑफिसर फिर जोनाथन को जादू से एक रास्ता बनाने को कहता है, जिस पर वो ऐसा ही करता है, और उसके रास्ता बनाने के बाद सब लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं और अब उसकी इज्जत करने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर मिस्टर नॉरल और जॉन की तरफ मुड़ जाती है, जहां जॉन मिस्टर नॉरल से सवाल करते हैं कि वो एनेबल पर नजर क्यों रखा हुआ है, जिस पर मिस्टर नॉरल उसे लेडी पोल के बारे में सारी बात बता देते हैं, जिसे सुनकर जॉन रात के समय पर लेडी पोल के घर जाके उसकी बनाई हुई एक पेंटिंग जिसमें उसने लॉस्ट होप और बाकी सब चीजें बनाई थी उसे चुरा कर ले जाता है। दूसरी तरफ हम जोनाथन को देखते हैं जो वॉर ऑफिशियल से बातें कर रहा होता है। यहाँ ऑफिसर कहता है कि हम फ्रेंच पर सरप्राइज अटैक करेंगे जंगल के थ्रू, जिससे उन्हें मौका नहीं मिलेगा रेडी होने का, इसलिए तुम हमारे लिए बीच में पड़ रहे जंगल को साफ करो। जिस पर जोनाथन कहता है कि ये सही नहीं है और मॉडर्न जादू के खिलाफ है। वो उन्हें आगे समझाता है कि जंगल में लिविंग बींग्स रहते हैं और इन्हें इनकी जगह से हटाना खतरनाक से कम नहीं होगा, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं समझता, इसलिए जोनाथन को ना चाहते हुए भी जंगल में जादू करने जाना पड़ता है। अब जंगल में हम देखते हैं कि जोनाथन को ये जादू करने के लिए सबसे पुराने पेड़ की जरूरत होती है, इसलिए वो सबको पुराने पेड़ ढूंढने के लिए कहता है। लेकिन जब वो लोग पेड़ ढूंढ रहे होते हैं कि तभी वहाँ फ्रेंच सोल्जर्स को उनके वहाँ आने की भनक लग जाती है, और फिर वो लोग हमला कर देते हैं, जिस पर फिर इंग्लिश सोल्जर्स भी अटैक करते हैं, और इन्हीं सब के बीच में एक तोप का गोला जोनाथन की ओर आता है, जिसे उसका असिस्टेंट जो कि किताबें लिए हुए था वो धक्का मारकर जोनाथन को बचा लेता है, पर वो बेचारा खुद ही मारा जाता है। साथ में उसकी सारी किताबें भी बर्बाद हो जाती है। अब इन सब से जोनाथन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, और फिर वो बाकी बचे इंग्लिश सोल्जर्स को बचाने के लिए वहां अपने जादू से धुआं ही धुआं कर देता है, जिससे सबकी जान बच जाती है। अब उसके बाद हम लेडी पोल को देखते हैं जो उसके उठने के बाद जब हॉल में आती है तो अपनी पेंटिंग को गायब देखकर दुखी हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर स्टीफन और एनेबल पर मुड़ जाती है, जहां एनेबल लेडी पोल से मिलने आई होती है, और वो जैसे ही स्टीफन के साथ लेडी पोल के कमरे में जाती है वो देखती है कि लेडी पोल जमीन पर पड़ी है और उसने अपना हाथ भी काट लिया है। फिर हम एनेबल को एक कमरे के बाहर रोते हुए देखते हैं, जहां फेरी आकर एनेबल से सौदा करने की कोशिश करता है। वो दावा करता है कि मैं तुम्हारे दोस्त के पागलपन को ठीक कर दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए, पर एनेबल फेरी को साफ मना करके वहां से चली जाती है, लेकिन वो अपना रुमाल वहीं पर भूल जाती है, जिससे फेरी अपने पास रख लेता है। फिर हम ब्रिटिश ऑफिसर्स को देखते हैं जो फ्रेंच के हमले से बहुत गुस्से में थे और उन
पर अटैक करना चाहते थे, लेकिन उनके पास दुश्मन के खिलाफ कोई जानकारी नहीं थी। तब वो जोनाथन को कोई जादू करके दुश्मन की जानकारी निकालने के लिए कहते हैं, पर जोनाथन ये सब नहीं करना चाहता था क्योंकि ये सब मॉडर्न जादू के नियम के खिलाफ है। लेकिन ऑफिसर्स के जोर पर जोनाथन परेशान होकर फ्रेंच आर्मी को हटाने के लिए एक बहुत पुराना जादू करने का तय करता है। अब रात के समय हम जोनाथन और बाकी ऑफिसर्स को देखते हैं जो कुछ फ्रेंच ऑफिसर्स की लाश के पास होते हैं, जहां जोनाथन उन्हें बताता है कि जो जादू वो अब करने जा रहा है वो खुद रेवन किंग का जादू है। और फिर वो अपना हाथ काटकर अपना खून उन लाशों पर गिराता है और फिर मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे देखते ही देखते वो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। अब उन्हें जिंदा देखकर ऑफिसर्स उनसे फ्रेंच सोल्जर्स की जानकारी के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो सभी कुछ अलग ही भाषा बोल रहे थे, जिस पर जोनाथन कहते हैं कि ये नर्क से लौट कर आए इसलिए ये नर्क की भाषा बोल रहे हैं। जो इतना कहकर वो उनके मुंह पर थूकता है, जिसके बाद वो लोग फ्रेंच बोलने लगते हैं। अब उसके बाद वो लोग उनसे फ्रेंच के छुपे हुए हथियार का पता लगाकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन जोनाथन को उन मुर्दों को फिर से भेजना नहीं आता था। इसलिए जब अगली सुबह ऑफिसर्स फिर से लौटते हैं, तो वो उन मुर्दों को देखकर सवाल करते हैं कि इन्हें फिर से नर्क में क्यों नहीं भेजा गया, जिस पर जोनाथन समझाता है कि उसे फिर से भेजना नहीं आता। इस पर फिर ऑफिसर उन मुर्दों को वहीं कमरे में बंद करके उस कमरे में आग लगाकर वहां से चला जाता है। अब इसके बाद जोनाथन से सभी लोग प्रभावित हो जाते हैं और उसकी बहुत इज्जत भी अब होने लगती है, जो महसूस करके वो बहुत खुश हो जाता है और अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से जाने लगता है। इसके बाद अब हम लेडी पोल को एक बेड पर बंधा पाते हैं, जिसे देखने के लिए मिस्टर नॉरेल आते हैं। अब मिस्टर नॉरेल को देखकर वो उस पर चिल्लाने लगती है कि तुमने शैतान को यहाँ बुलाया है और ये तुमने अच्छा नहीं किया, जिस पर फिर मिस्टर नॉरेल लेडी पोल को किसी को भी कुछ बताने से मना करके वहां से चले जाते हैं। फिर कमरे से निकलकर मिस्टर नॉरेल सर मिस्टर वॉल्टर से कहते हैं कि वो एनेबेल और लेडी पोल को आपस में ना मिलने दे, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उसने एनेबेल को बता दिया और फिर एनेबेल ने अपने पति को बता दिया तो सबको पता चल जाएगा कि मिस्टर नॉरेल ने कोई जादू नहीं बल्कि फेरी से सौदा किया है। इसलिए वो कहता है कि लेडी पोल को यहाँ से कहीं दूर रखा जाए, जिसकी बात मिस्टर वॉल्टर मान लेता है। अब जब एनाबेल लेडी पोल से मिलने उसके घर आती है तो स्टीफन उसे अंदर आने नहीं देता, जिससे एनाबेल दुखी मन से फिर से लौट जाती है। पर उसके बाद जब स्टीफन लेडी पोल को उनके रूम में चेक करने जाता है तो हम देखते हैं कि लेडी पोल को एक चेयर में बांध कर रखा है। अब लेडी पोल को देखकर वो उसके कमरे का दरवाजा बंद करके फिर से जा ही रहा होता है कि उसे बेल्स के बजने की आवाज आती है और फिर वो उस आवाज का पीछा करते हुए कमरे में चला जाता है। और वहीं हम देखते हैं कि लेडी पोल के कमरे का दरवाजा अपनी आप ही फिर खुल जाता है। स्टीफन अब आवाज का पीछा करते हुए जैसे ही दूसरे कमरे का दरवाजा खोलता है तो वो लॉस्ट होप में पहुंच जाता है। यहाँ फेरी एनाबेल को भी अपनी दुनिया में लाना चाहता था, लेकिन स्टीफन उसका साथ देना नहीं चाहता, इसलिए फेरी स्टीफन को भी भड़काना शुरू कर देता है कि तुम्हें पैदा होते ही नौकर बना दिया गया जो तुम्हारी किस्मत में नहीं था, मैं तुम्हें राजा बना सकता हूँ। जिस पर फिर वो समझाता है कि मैं मिस्टर वॉल्टर के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, उनके पिता ने मुझ पर बहुत एहसान किए और मैं मिस्टर वॉल्टर की जगह नहीं ले सकता। जिस पर फिर फेरी उसे अपने जादुई मिरर में उसके जन्मदिन का विजन उसे दिखाता है कि कैसे उसका पूरा परिवार स्लेव्स थे और स्टीफन को जन्म देते हुए उसकी माँ गुजर गई और तब मिस्टर वॉल्टर के पिता ने स्टीफन को अपना नौकर बना लिया। फेरी उसे लालच देता है कि मेरा साथ दो और मैं तुम्हें राजा बना दूंगा। इंग्लैंड का सबसे बड़ा जादूगर रेवन किंग भी एक नेमलेस गुलाम था, तुम भी उसकी तरह राजा बन सकते हो, जिसकी बातों में स्टीफन अंत में आ ही जाता है और फिर वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अब उसके बाद जब स्टीफन उस कमरे से निकल कर फिर से जा ही रहा होता है तो वो देखता है कि लेडी पोल का कमरा खुला हुआ है और जब वो अंदर झांकता है तो वो देखता है कि लेडी पोल ही गायब है। फिर सीन कट होकर एनाबेल की तरफ मुड़ जाती है जो फिर से अपने घर लौट आती है और घर आकर वो जोनाथन को देखती है जो युद्ध से लौट आया है।
जिसे देखकर एनेबल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब इसके बाद जब दोनों टेबल पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर मिस्टर नॉरेल जोनाथन से मिलने आ जाते हैं, जो उसे अपने घर पर ब्रेकफास्ट के लिए आमंत्रित करके चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जॉन को घर में कुछ जादू होने का आभास होता है, इसलिए वो एक पानी के ग्लास में जादू करता है जिससे उसे कुछ खतरे का आभास हो जाता है। इसलिए अब वो पानी का ग्लास लिए उस जादू करने वाले को ढूंढते ढूंढते घर के बाहर चला जाता है और अब वो बाहर लेडी पोल को खड़ा देख लेता है। और तभी वहां पर मिस्टर नॉरेल भी जोनाथन के घर से वापस आ जाते हैं। अब मिस्टर नॉरेल को देखते ही लेडी पोल हाथ में गन लेके मिस्टर नॉरेल की तरफ बढ़ती है, वहीं जॉन भी लेडी की तरफ उसे रोकने के लिए बढ़ता है, पर तब तक लेडी पोल शूट कर देती है, लेकिन गोली मिस्टर नॉरेल की जगह जॉन को लग जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।